ये जो एक रिसेंटली आर्टिकल पढ़ी मैंने, उदय सर से, मैंने सर के साथ मैंने भी ये डिस्कस की थी कि ये जो एक एक्टर है ना, जॉर्ज क्लूनी, उसके वाइफ जो बोल रहा था कि जर्नलिस्ट को मर्डर किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है फैसिस्ट गवर्नमेंट के अंडर अंडर में, तो एक आर्टिकल लिखा है। तो मैंने एक थोड़ा रिसर्च की है कि उसके जो एक फाउंडेशन है, क्लूनी फाउंडेशन फॉर जस्टिस, जो जो रोहिंग्या के लिए काम करते हैं, ये सब करते हैं, और इलीगल, आई थिंक दैट दे आर इन्वॉल्व इन टू इलीगल, सो दे आर फंडेड बाई दिस कॉर्पोरेट्स, गूगल, हॉलमार्क, एक्सपीडिया ग्रुप, जॉनसन एंड जॉनसन, माइक्रोसॉफ्ट, मतलब ये बिल गेट्स का जो कंपनी है, SAP, वॉल्ट डिज्नी, अमेरिकन एयरलाइंस एंड ऑल दिस थिंग्स। सो जो लेफ्टिस्ट जो कंपनी है, जो लेफ्ट लीनिंग कंपनीज जो है, मैं देख रही हूँ कि वो लोग इसको, इस फाउंडेशन को ये फंडिंग दे रहा है इस तरह का काम करने का। और यहाँ पर भी लिखा हुआ है गिफ्ट्स ऑफ $5 मिलियन एंड अबव लाइफ टाइम गिविंग, मतलब ये कॉर्पोरेट पार्टनर्स के बारे में। देखो, मैं तो बताऊं कि बेसिकली मैं बड़ा सरप्राइज होता हूं, या बड़ा लोगों को सरप्राइज होता है कि इंडिया के खिलाफ कैंपेनिंग के अंदर यूएस एंड चाइना आर कंबाइंड। यूएस जेएनयू के लोगों को सपोर्ट करता है, जितने भी आपके जर्नलिस्ट बैठे हैं यूएसए के अंदर, उनको, चाहे आपका क्या कहते हैं, वाशिंगटन पोस्ट हो या बाकी चीज हो, उस टाइम्स हो, इसको पैसे देता है चाइना, और जर्नलिस्ट बैठे हैं यूएसए के अंदर, यूएसए के साथ भी उनके लिंक हैं, आर्टिकल लिखते हैं एंटी इंडिया। तो बेसिकली एक जो जितने भी यूएस के यूएस सपोर्ट करते हैं, जैसे आपका ये बैठा रवीश कुमार, रवीश कुमार को यूएस के सपोर्ट है, जो उसको एक रिवार्ड दिया गया है, उसका कनेक्शन है फोर्ड फाउंडेशन से। तो एक उसके आगे एक और ऑर्गेनाइजेशन है, जो जितने भी इंडिया के अंदर जो जर्नलिस्ट वगैरह होते हैं उनको रिवार्ड दिया जाता है। बेसिकली क्या था कि जैसे हमारे कांग्रेस के टाइम में, इवन चाहे वाजपेयी के टाइम में, अमित सेन जैसे लोग हैं, उसको इतना बड़ा रिवार्ड दिया गया। क्यों दिया गया? ही इज ए कम्युनिस्ट और क्रिटिसाइज कर रहा है इंडिया को। अभी इन्होंने क्या किया है कि कुछ यहाँ के इनके जो रिवार्डेड लोग हैं, इनको यहाँ पे अकोमोडेशन से खाली कराया, क्योंकि सारे के सारे वो कम्युनिस्ट थे और इनका एंटी इंडिया एजेंडा रहा, तो गवर्नमेंट ने खाली करा ली। फिर लोग कह रहे हैं जी इनको बेसिकली क्यों यहाँ पे सपोर्ट किया जा रहा है, इनको क्यों निकाला जा रहा है, 92 साल का बुढ़ा है। अरे 92 साल का बुढ़ा है, एंटी इंडिया काम करता रहा है, और बेसिकली उसको गवर्नमेंट अकोमोडेशन दे दे, क्यों दे? हाँ,